बेरुखी ना हो फिर हम नवा। मैं कोई फैसला नहीं सुना रही, मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं अपनी बेटी को अच्छे से रुखसत करना चाहती हूँ, इसके लिए मैंने भी कुछ सोचा हुआ है। आंटी, क्या आप सबीन और नदील की तरह मुझे भी अपने बच्चों जैसा नहीं समझती क्या? ऐसा ना कहो बेटा। तो फिर आंटी प्लीज मुझ पे एतबार करें, ये मेरी और सबीन दोनों की ख्वाहिश है। हम चाहते हैं कि हमारी शादी बहुत सादगी से हो और हमारी खुशी में सिर्फ हमारे अपने शरीक हो। प्लीज मुझ पे एतबार करें, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा, लेकिन मुझे खुशी तभी मिलेगी जब आप अपनी बेटी सबीन का हाथ आज ही मेरे हाथ में देंगी। मैं जानता हूं कि आप अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा करना चाहती हैं, लेकिन अगर आज आपकी दुआओं के साथ अगर मैं और सबीन एक हो जाते हैं तो इससे बड़ी खुशी हम दोनों के लिए और कोई नहीं हो सकती। सबीन का हाथ मांग रहा हूं आंटी, प्लीज मुझे खाली हाथ नहीं लौटाइएगा। तो मैं इसे हां समझू? आंटी नहीं, आप मेरी मां की तरह हैं और अपनी मां की आंखों में मैं आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकता। तो बस फिर मंसूर मियां, इस जुमे को बारात ले आए। मुबारक हो। आपको भी खैर मुबारक हो। अरे भाई असमाब, मिठाई तो लेकर आना जरा। अरे हाँ, मिठाई बहुत जरूरी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।